वेलकम टू मेड बाय मी, जहां आप सीखेंगे स्विंग से रिलेटेड हर चीज़। अगर चैनल पसंद आए और वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मेड बाय मी। आज हम बनाने जा रहे हैं न्यूबॉर्न बेबी कंफर्टर। इसके लिए मेरे पास ये दो पीस मौजूद है, ये आप देख रहे हैं, डबल है ये। ये हमारे पास डबल पीस है, ये देखें, ये दो ये हैं और ये है। अब मैं इसकी साइजिंग आपको बता देती हूँ कि कितनी है इसकी साइजिंग। आप देखेंगे हमारे पास एक पीस की साइजिंग हम लेंगे, ये देखें। सबसे पहले मैं वन पीस की साइजिंग आपको बताऊंगी। ये हमें लेना है 15.5 इंच और इसकी लेंथ जो होगी हमारी वो होगी 22 इंच। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पीस है। और सेकंड पीस जो है हम उसको इतना कम रखेंगे, तकरीबन हम यहाँ से रखेंगे 6 इंच, हम उसे कम रखेंगे यहाँ से। ये देख लें आप, ये जो हमारी लंबाई है उसमें हम 6 इंच कम कर देंगे तो ये हमारा दूसरा पीस आ जाएगा, जो कि ये है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम इसको पहले 16 इंच हम कम करके इसे कटिंग कर लेते हैं। एक पीस हम हटा लेते हैं यहाँ से, ये हमने लिया, ये हम नीचे से कटिंग करेंगे, जॉइंट वाला एरिया वहीं पर रहने देंगे। ठीक है, ये देखें यहाँ से हमने लिया, ठीक है, ये हमारा एरिया ये आ गया हमारे पास और ये पीस है। अब हम इसके अंदर जो है अपना, सबसे पहले हम ये करेंगे, ये जो हमने पीस लिया हुआ है ये हमारे पास है फोम, हम वो इसके अंदर सेट करेंगे पूरा। ठीक है, दोनों तरफ से, और उसके बाद इसको इस तरीके से हम कटिंग करके और इस फोम को इसके अंदर रख के और इसे हम इसके साथ ही अंदर रख के इसको पूरा हम सेट करेंगे। ठीक है, ये यहाँ से हम इसे इसको हम कटिंग करके हम बराबर करेंगे इसको। ये हमने लिया इसको, ताकि ये हमने डबल पीस लिया हुआ है, ये हमारा थोड़ा सा मोटा सा बने ये। यहाँ से हम इस तरह रखेंगे, रखने के बाद ये बिल्कुल बराबर करेंगे ऊपर नीचे से करके हम। ये देखें इस तरीके से ये हमारा पूरा सेट हो जाएगा। उसके बाद करने के बाद हम इसे इस तरीके से डबल करेंगे, ये देखें। अब इसके ऊपर हम दोनों पीस हम इसी तरह सेट करेंगे और इसके ऊपर हम यहाँ पे दूर दूर पर मशीन चलाएंगे इसको सेट करने के लिए। सिर्फ हम अभी ये अपनी जो बेडिंग है इसको इस कपड़े के अंदर रख के सेट करेंगे। ठीक है, आप देख रही हैं पूरा रख के मैंने उसी तरह सी लिया है। अब यहाँ पे जो हमारा एक्सेस फोम होगा वो हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, ये देखें इस तरीके से हम इसे निकालेंगे बाहर, और उसके बाद दूसरे पीस में भी हम सेम इसी तरीके से अपनी जो ये जो हमारी फोम की पट्टी है, बिल्डिंग जिसको कहते हैं फोम शीट, इसको भी हम लगाएंगे। ठीक है, ये देखें मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, जो एक्सेस हमारा है सिर्फ हम वो निकाल रहे हैं। अब उसको अभी हमने इसको सिया नहीं है पूरा, अभी इसको हम जब सियेंगे पहले हम इसे सेट करेंगे, क्योंकि इसमें हमें ज़िप लगानी है। अब हम इसका दूसरा वाला सेट भी बिल्कुल इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं। ये बैक साइड पर भी देखें आप, ये इस तरह आएगा पूरा हमारा, और ये फ्रंट है हमारा। ठीक है, अब हम दूसरा पीस इसी तरह रेडी करते हैं इसका। आप देख रही हैं हमारा दूसरा पीस है जो पहले वाले पीस से छोटा है। आपको मैंने दिखाया था, मैंने 6 इंच इसमें से कटिंग करी थी, 22 इंच में से, जो इसकी 22 इंच की लेंथ थी उसमें से मैंने 6 इंच माइनस कर दिया था। उसके बाद इसमें मैंने, आप देखें, 3 इंच की मैंने ये पट्टी लगाई है येलो कलर की, जो बैग नीचे की साइड पे आएगी, क्योंकि पट्टी हमने सिर्फ इसलिए लगाई है कि हमारे पूरे सेट में येलो कलर का जो है इसका कंट्रास्ट है, तो इसमें हमें थोड़ा सा ये लगाना ज़रूरी है, तो ये हमने सिर्फ खूबसूरती के लिए लगाई है। अब इसमें भी हम बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने अपने फ्रंट पे सेट किया था, हम बिल्कुल उसी तरीके से इसे भी सेट करेंगे। पहले हम इस पर मशीन चला के इसको सेट कर देंगे। आप देख रहे हैं हमारा ये दोनों पीस रेडी हो चुका है। अब हम सबसे पहले इन दोनों को आपस में सियेंगे, ये देखें, इसको हम मिला के इसको इस तरीके से आपस में हम इसे सियेंगे और यहाँ से खाली सी देंगे। ठीक है, यानी कि हमारा मकसद इनको आपस में इस तरह मिलाना। ठीक है, ये हमारा फ्रंट पे रहेगा ये पीस,
और इस तरफ बैक पे हमारा ये पीस रहेगा, ये येलो वाला पीस हम इसको फ्रंट पे रखेंगे। ठीक है, पहले हम इन दोनों को सियेंगे। इसके सीने का तरीका ये होगा कि हम यहाँ से लेंगे, पहले नीचे से हम सीना शुरू करेंगे इसको इस तरीके से, यहाँ से हम सियेंगे पूरा इसको बराबर करके। ठीक है, यहाँ से, और फिर उसके बाद इसको हम उलट के सियेंगे। ठीक है, इसको मैं अब सीना शुरू करती हूँ। आप ये देख रहे हैं, इस तरह से हमने इन दोनों को मिला के यहाँ से सी लिया है। ये देखें, ये पूरा हमारा सिल गया। ये पीस आपस में सिर्फ हमने ये सारे फोम को और नीचे वाले एक पीस को लेकर इसके साथ हमने पूरा सी लिया। अब यहाँ से हम इसको इस तरह हम फोल्ड करेंगे हल्का सा, और करके इसके साथ मिला के पूरा इसको सियेंगे। इसको अंदर करके बैलेंस करके इस तरह से इसको पूरा हम सी लेंगे। यहाँ पूरी हम मशीन चला लेंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं इस तरह हमने इसको सेट कर लिया। ये देखिए, ये हमारा पूरा यहाँ से सिलाई लगाती है हमने, ये यहाँ से भी सी लिया है। अब ये हमारा इस तरह कवर होगा। ये देखें, ये इस तरीके से हमारा आएगा सेटअप होकर ये पूरा। अब यहाँ से हमें सबसे पहले देखना है कि जो हमारा एक्सेस होगा वो हमें निकालना होगा काट के, ताकि हमें आगे सीने में आसानी हो। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, और यहाँ से हम ये जो हिस्सा है हमारा हल्का सा हम इसको रिमूव करेंगे। ये हमारा बिल्कुल सीधा रहेगा। यहाँ से हम हल्की सी गुलाई करेंगे, बिल्कुल हल्की सी, ताकि जब हम इसमें जिप लगाएं तो हम बहुत आसानी से इसको जिप लगा सकें। ये देख रहे हैं, हमने इसको इस तरीके से गोल करा है। यहाँ से भी हल्का सा इसको भी खूबसूरती लाने के लिए यहाँ से भी मैंने गोल किया, थोड़ा सा गुलाई करी है आधा इंच के करीब रखकर। अब ये हमारे पास जिप है, वो जिप हम यहाँ से लगाना शुरू करेंगे इसको, और पूरा यहाँ तक हम लगाएंगे जहाँ तक हमें ज़रूरत है। ठीक है, हम यहाँ से लगाना स्टार्ट करते हैं इसको। ये जो हमारा ये फोम है, यहाँ से हम इसको लेंगे। पहले हम फ्रंट एक सियेंगे, फिर उसके बाद इसको इस तरीके से रख कर हम इसको देखें, ये हम यहाँ से हम इसको थोड़ा सा करेंगे और ये मूव करेंगे यहाँ से। और यहाँ से करने के बाद ये वाला जो पीस है हमारा, पहले हम इसको सी लेंगे पूरा। ठीक है, यहाँ से हम सी कर पूरा हम यहाँ तक सी लेंगे जहाँ तक हमें ज़रूरत है, फिर हम इसे अंदर से हम इस साइड वाली सिलाई से सियेंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं, एक हमने ये पीस हमने लगाया है, ये पूरा ये जो जिप है। उसके बाद हम इसको इसी तरह यहाँ से हम मोड़ेंगे, और मोड़ने के बाद इसको अंदर की तरफ करेंगे। देखें, थोड़ा सा अंदर की तरफ करके, और यहीं से हम फोल्ड करके, और उसके बाद इसको डबल करके सीना शुरू कर देंगे। ये देखें, इस तरह हम करेंगे। ये देखें, ये ना इसके ऊपर रखते जाएंगे और इसको डबल करके सीते जाएंगे। ये पूरा हमारा इस तरह सिलेगा, तो ये हमारी जिप पूरी अंदर की तरफ इस तरह निकल आएगी। ये एक साइड हमने सिया है, ये दूसरा साइड हमारे इस तरफ वाले कवर में जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सीते हैं, बिल्कुल जिस तरह मैंने बताया, बिल्कुल मैं उसी तरह सीऊँगी। आप देख रहे हैं, ये हमारी पूरी इलास्टिक लग चुकी है इस तरीके, ये जिप लग चुकी है, ये पूरी हमने इस तरह जिप लगा ली है। अब ये हमारा दूसरा वाला पीस है, वो हम अपने बैक साइड के वाले हिस्से से यहाँ से लेंगे। उसके बाद इसको सीना शुरू करेंगे पूरा। ठीक है, इसको आहिस्ता आहिस्ता घुमा के हम इसको सीएंगे। ये देखिए, हमारी जिप इस तरह पूरी लग चुकी है, आपको आप देख रहे होंगे ये। ठीक है, ये पूरी हमने लगा ली है। अब ये हमने यहाँ पे इसका बैक साइड पहले ही फोल्ड करके रखा हुआ, हम इसको सिर्फ अंदर की तरफ करेंगे, और उसके बाद इस तरह इसको हम जिप के ऊपर एक रख सिलाई लगा देंगे। देख रहे हैं आप, ये हमारी सिलाई इस तरह पूरी लगती चली जाएगी, हमारी जिप अंदर चली जाएगी। ठीक है, आप देख रहे हैं, ये हमारा कंफर्टर तैयार हो गया है। अब मैं यहाँ पे खूबसूरत सा बो बना के लगाऊंगी येलो कलर की, और ये पूरा रेडी है। ये देखें, ये जिप है हमारी जो पूरी यहाँ तक पूरी हमारी खुल रही है। ये इस तरह हमारा आराम से ये खुलेगा, और फिर उसके बाद इसको हम इस तरह बंद कर देंगे। तो ये हमारा रेडी हो गया है हमारा कंफर्टर। अगर आपको हमारा कंफर्टर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस ट्यूटोरियल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल।
share this tutorial and like this tutorial as well. Thank you so much. Take a body's high.